प्रयागराज के यमुना पार इलाके के खीरी थाना क्षेत्र में घटी एक घटना आज से ही 8 दिन पहले की वो घटना है, जब अपराह्न 3 बजे एक 16 वर्षीय बालक अपनी बहन के साथ स्कूल से अपराह्न 3 बजे के आसपास घर से आ रहा था। बीच में समुदाय विशेष की बस्तियां थी और वहीं पर बहन के साथ कुछ हरकत करते हैं, अश्लील हरकत, जिसके बाद युवक बच्चे के द्वारा विरोध करने पर भरी बस्ती के बीच में रोड, मेन रोड हाईवे पर बच्चे को पीट पीट कर फट्टियों से मार डाला जाता है और वहाँ पर बैठे और खड़े लोग केवल तमाशबीन बने रहते हैं। और यह घटना पूरे समाज को झकझोर देती है और आधे घंटे तक बच्चे का मृत शरीर वहीं सड़क पर पड़ा रहता है। कोई भी आसपास का या उस समुदाय का कोई व्यक्ति आगे नहीं आता पीड़ित को मदद देने के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए, जिससे पूरा समाज हिल जाता है और पूरे खीरी थाना क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के प्रति आक्रोश फैलता है। और उस आक्रोश के बाद हजारों की संख्या में लोग खीरी बाजार में चक्का जाम करते हैं। फिर शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वह आनन फानन में कई गाड़ियों के साथ पैरा जो है फोर्सेस, जिसमें आप कह सकते हैं कि PSC और रैपिड एक्शन फोर्स और कई थानों के पुरुष बल के साथ पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर देते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और पीड़ित परिवार को मान मनोबल में जुट जाते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग करने के लिए 3 दिनों तक उसी प्रकार से डटे रहते हैं और मांग रहती है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो। वहीं मांग पत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजे, प्रधानमंत्री आवास और तमाम सारी शस्त्र लाइसेंस सहित सुविधा और आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रमुखता से मांग पत्र में छाई रही। आज जब घटनाक्रम के 8वें दिन हम फिर से पीड़ित परिवार के बीच में हैं और यहाँ पर उस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, चूँकि पिता का साया उठ चुका है, तो बड़े भाई जो है, क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम। देखिए, पुरुषोत्तम जी हैं और जिन्होंने कि हिंदू संस्कारों के अनुसार अभी जो है मृतक का दाह संस्कार कर रहे हैं और उस क्रिया विधि में है, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आज 8वें दिन एक बात निकल कर आई है दर्शकों कि शासन ने ये कहा है कि पीड़ित परिवार को 3 शस्त्र लाइसेंस, जिसमें एक भारी जो है लाइसेंस होगा और 2 रिवाल्वर का लाइसेंस देने की बात आई है। वहीं आरोपी पक्ष के 6 लाइसेंस जो आरोपी और उसके करीबियों के हैं उन्हें जांच करते हुए तत्काल निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। यह अमर उजाला अखबार की आज सुर्खियों में रही। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए मदद के नाम पर 2 प्रधानमंत्री आवास और खेती योग्य जमीन की तलाश लगभग पूरी हो जाने की बात ये अमर उजाला के अखबार में प्रमुखता से आज छाई रही। तो आज हम इस पीड़ित परिवार के मुखिया के तौर पर पुरुषोत्तम जी के पास हैं, जिनसे कि लगातार इलाहाबाद जिला हाईकमान प्रशासन DM संजय खत्री, जो कि अब ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन उनसे लगातार बात हो रही थी। क्या जो नए जिलाधिकारी आए हैं उन तक यह बात है? तो पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि जो तत्कालीन DM साहब हैं, जिस तरीके से आक्रोश फैला और लोग सड़कों पर न्याय के लिए उमड़ा, पूरा समाज आपके साथ आ गया था, ऐसे में क्या बात हुई थी? शासन ने किस आश्वासन के साथ आपसे धरना समाप्त करने और घरों में लौट जाने की बात कही थी? पहले के जो साहब थे DM साहब, वो हमको भरोसा दिए थे कि जो है आपको ज़मीन देंगे और ये जो होगा तो प्रधानमंत्री साहब से दिलवाएंगे, आर्थिक स्थिति जो आपकी मांगे हैं वो सब पूरी होगी, नौकरी और जो जो चीज़ें थी वो, नौकरी की भी मांग की गई थी पीड़ित परिवार के लिए जी। लेकिन अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी जिम्मेदार मातहत अधिकारी के द्वारा आपको मांगे पूरी होने से संबंधित आश्वासन या भरोसा अभी तक इस दौरान 8 दिनों के दौरान कोई मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया। ये आप देख सकते हैं कि अमर उजाला अखबार में छपा है और हम अपनी खबर के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को कैसे भरोसा हो कि जो मांगे उसके द्वारा रखी गई है उन मांगों पर कितना अमल हुआ है। और ये चर्चा क्षेत्र के लोगों में भी है। आज भी क्या कोई कार्यक्रम हिंदू संगठन या आपके सहयोग और समर्थन में आए लोगों के द्वारा रखा जाने का कोई मतलब विचार था क्या? क्षेत्र के लोग और जनता सब तैयार थी, हम ही नहीं गए, हम ये लिए थे। बहुत ही हिंदू वो बजरंग दल वाले कहे थे कि ये करेंगे, फिर कैंसिल कर दिए, क्या करना है। इनका कहना है कि आज एक कार्यक्रम था, फिर से वो कहीं ना कहीं सड़कों पर होते और फिर प्रशासन को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते, चूंकि ये क्रियाविधि में है। साथ ही इनका मांग है कि अगर हम आगे जाते तो लोग हमारे साथ जुटते। ये
जी पूरी पूरा क्षेत्र की तरफ पूरे क्षेत्र के लोग आए थे और सब लेकर कह रहे थे यहाँ घर पे आए थे आपके। हाँ 500 लोग आए थे और जगह जगह फोने आ रही थी, हम नहीं गए। इनका दावा है कि लगभग 500 लोग आए थे और कह रहे थे कि आप चलिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक अखबारों के द्वारा ही किया गया है और डीएम साहब के द्वारा इनको आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक इनके इनसे डायरेक्टली इन 8 दिनों के दौरान कोई बातचीत किसी प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। अच्छा, जैसे कि पीड़ित परिवार के तौर पर आप मुखिया के तौर पर हैं, ये कहा जा रहा है कि आरोपी जो कि यूसुफ है उसका आपराधिक इतिहास भी है और उसके जो 6 शस्त्र लाइसेंस हैं निरस्त होंगे, साथ ही 3 लाइसेंस आपके घर वालों को देने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तो हम सुने हैं, कोई दिया तो नहीं है और उस पर चर्चा ही नहीं किए हैं, तो अब कहाँ जाने। देखिए, पीड़ित परिवार कह रहा है कि ये चर्चा आप ही लोगों के द्वारा हम सुने हैं, यानी मीडिया के खबरों के द्वारा ही पता चला है, जब इस पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात करेगा तब इनको इसके बारे में पता चलेगा। तो ये इस पूरे मान लीजिए आप क्रियाविधि में हैं, अगर अभी 8वां दिन बीत गया, आप मान लीजिए 2-3 दिन 4 दिन और रहेंगे, 12 दिन का जो संस्कार होता है उसके बाद अब शुद्धि हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग के क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि जैसे शासन कह रहा है लेकिन अभी सीधी बात आप लोगों से नहीं कह रहा है, आज देखा मैंने खीरी बाजार की रौनक फिर वैसे ही लौट आई है और कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान से ये घटना उनके मन मस्तिष्क से मिट नहीं रही है और लोग अभी भी बड़ी कार्यवाही और आपके साथ जो यथोचित न्याय है जैसा कि अन्य घटनाओं के संबंध में योगी राज में होता आया है, उस चीज़ की उम्मीद अभी भी लगाए हुए हैं। ऐसे में जैसे 8 दिन बीत गया, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आता तो क्या जो लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं आप उनके साथ खड़े होंगे, या फिर जो शासन के द्वारा आश्वासन मिला है उस आश्वासन पर भरोसा कायम रहेगा और आपको उम्मीद है कि हमको न्याय शासन ने जो कहा है वो पूरा होगा? अगर शासन द्वारा शासन पे भरोसा है, शासन नहीं करेगी तो हमारे लोग हैं हमारे से मिलने आते हैं, हम फिर वहीं बैठेंगे और सरकार को बुलाएंगे, योगी जी को, मोदी जी को, कि आप हमें न्याय दीजिए, हम बहुत दुखी हैं। देखिए, ये थे घर के सबसे बड़े और मुखिया पुरुषोत्तम जी, जिनका कहना है कि जो बात तत्कालीन डीएम संजय खत्री से हुई थी, जो बजरंग दल से मांग पत्र रखा था, अगर उन बिंदुओं पर सही तरीके से अमल नहीं हुआ तो फिर वो अपने लोगों के साथ फिर सड़कों में होंगे और इस बार प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के कर्ता धर्ता योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार करेंगे और शायद तब उनको सही न्याय मिलेगा। और इस उम्मीद से वो अभी 2-3 दिन कहा जाए कि वो जो कि जिला प्रशासन ने इनको भरोसा दिया है उस भरोसे की उम्मीद पर ये रुके हुए हैं, अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो फिर ये मजबूर होंगे और पुनः सड़कों पर वो दिखेंगे, क्योंकि आश्वासन की जो खबर आई है वह अखबारों की सुर्खियों में है, न कि पीड़ित परिवार से। अभी तक डीएम साहब के बाद कोई भी प्रशासनिक स्तर का अधिकारी मुलाकात करके इस विषय में कोई जानकारी नहीं दिया, चाहे वह शस्त्र लाइसेंस का हो या प्रधानमंत्री आवास का हो या खेती योग्य जमीन का हो या फिर नगद आर्थिक मदद के तौर पर कोई रकम की बात हो, ऐसी कोई घोषणा इनके साथ डायरेक्ट नहीं की गई, केवल डीएम के द्वारा तत्कालिक समय में जब आक्रोश फैला था तब कही गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस आश्वासन के बाद जब 8 दिन कोई नहीं आया तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी अब शंका के भाव निश्चित ही उभर रहे हैं और दुखी मन से वह ये बात कह रहे हैं कि भरोसा है शासन हमारी मदद करेगा। अब देखना यह है कि शासन इनके भरोसे पर कितना कायम रहती है और योगी आदित्यनाथ का वो फार्मूला इस अपराधियों पर किस तरीके से कहर बन के टूटता है, क्योंकि उनका तो टूक कहना है कि अपराधी अपराधी होता है और अपराध करने वाले को दंड ऐसा दिया जाए कि उसकी आने वाली नस्लें भी यह सोचने पर मजबूर करें किस तरह के अपराध करने पर क्या दुर्दशा होती है उत्तर प्रदेश में, और इसी के लिए बाबा जी जाने जाते हैं। और यह मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो छवि रही है जिस पर लोगों को भरोसा कायम है कि अभी भी वो न्याय स्थापित करेंगे इस खीरी क्षेत्र में, ताकि इस तरह की घटना किसी फिर सत्यम के साथ न हो। लोग मौजूद हैं, क्या किसी ने अफसोस जताया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा इस घटना पर? नहीं, कोई नहीं आया था। आप लोग को जानकारी हुई होगी जब घटना घटी थी तो लोग जब यहाँ आए नारायण तब हम का। अच्छा, आपको तब जानकारी, आप भी इसी गांव के हैं जी। देखिए, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, क्षेत्र के ही लोग हैं जो पीड़ित परिवार के बीच सांत्वना देने के लिए आए हैं। इस दुखद घटना को आप लोग कैसे देखते हैं?
जी, हमारा ये कहना है कि जैसे अभी पुरुषोत्तम जी हैं, अभी ढाढ़स बंधे हुए हैं और अभी कार्यक्रम में इनका अभी कुछ है 13वीं रोहिणी का, तो इसके लिए ये रुके हुए हैं, बाद में हैं कि ये आगे फ्रंट पे आके कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे मैं उन अपराधियों को कहना चाहूँगा, सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो इस तरह का कुकृत्य अमानवीय ढंग से उन लोगों ने किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए और उनके खिलाफ़ ऐसी कार्यवाही की जाए, चाहे घर में बुलडोजर चलाने की बात हो या और कोई ऐसी घटना उनके साथ हो, ऐसा न्याय मिले इनको कि उनकी आने वाली 50 नस्लें भी इस चीज़ को याद रखें कि अगर किसी भी महिला को या किसी भी बेटी को अगर आप छेड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, या किसी को, किसी बहन बेटी को देखने से पहले उनको ये लगे कि इनको अगर देखेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। देखिए यहाँ अस्मिता और सम्मान की बात थी, और उत्तर प्रदेश में चाहे वो 2013 का मुजफ्फरनगर की घटना हो, सेम इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति खीरी क्षेत्र में हुई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग संयमित रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है इसलिए भरोसा है, और इस भरोसे पर लोग जो है, आप लोग भी इसी गाँव के हैं ना। सत्यम कैसा था? अच्छा था, अच्छा लड़का था। हाँ, अच्छा लड़का। उसके साथ ये घटना घटी इस तरीके से, इसको आप लोग कैसे देखते हैं गांव के लोग? अरे कैसे देखते हैं कि वही विपत पड़ी है, जो सबको सजा मिले वह को मिले चाहे सजा। देखिए इनका भी कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको दीजिए, कड़ी सजा की बात हो रही है, और कानून भी ये कहता है कि जघन्यतम अपराधों में नाबालिग के साथ भी अपराधियों जैसा ही व्यवहार किया जाए, उसके साथ भी उसी तरीके से दंड विधान अपनाए जाए जैसे एक खूंखार अपराधी के साथ अपनाया जाता है। साथ ही लगातार ये बात हो रही है कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो, और साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई अगर संभव है तो जरूर हो, ताकि ये नसीहत बने इस क्षेत्र में और लोग इस घटना से कम सबक लें, ऐसे लोग जो अपराधी इस तरह का कुकृत करते हैं और जिस तरीके से दिन दहाड़े एक बच्चे के साथ चलती रोड पर इस तरह की घटना कहीं न कहीं सहन करने वाली घटना नहीं थी, और इसीलिए इतना बड़ा जनसमुदाय सड़कों पर स्वस्फूर्त होकर पीड़ित के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो गया। और अभी भी भले ही बाजारों की रौनक लौटी हो, शांति व्यवस्था लौटी हो, लेकिन लोगों के मन में अभी भी न्याय की उम्मीद है, और शासन को यह अवसर दिया गया है कि शासन इस पर कड़ी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय देगा। K9 प्रयागराज वर्ल्ड से मैं कृष्णा शुक्ला।